बिजली के बढ़ते टैरिफ और आईपीपीस का मामला। अगर हुकूमत ने बिजली के टैरिफ कम ना किए तो अदालत आलिया जाएंगे, कामरान अरशद की जानिब से ऐसा कहा गया। बिजली के टैरिफ बढ़ने से मुल्क भर में 60 से 70 टेक्सटाइल मिले बंद हो गई। कारखाने बंद होने से 56,000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार हुए। हुकूमत से सब्सिडी चाहिए ना ही मांग रहे हैं। बिजली का रेट और दीगर ममालिक के टैरिफ 9 सेंट के बराबर कर दें और हमें छोड़ दें। 2022 से टेक्सटाइल की $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कम हो गई। आईपीपीस ने जो इस मुल्क के साथ किया वो दुश्मनों ने भी नहीं किया। 9 सेंट रेट पर हम इंडिया वियतनाम की इंडस्ट्री से मुकाबला कर सकते हैं। मुल्क में अट्टमा मेम्बराम के आधे कारखाने बंद हो गए हैं। महंगी बिजली टैरिफ पर हम कारखाने नहीं चला सकते। मुल्क में आईपीपीस के टैरिफ पर कारखाने नहीं चल सकते। हुकूमत को आईपीपी से माहदे दोबारा तरतीब देना होंगे, चेयरमैन अट्टमा पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया। सिर्फ ये कह रहे बिजली का रेट और गैस का रेट इंडिया बांग्लादेश चाइना वियतनाम एवरेज के बराबर करते हैं और फिर हमें खुला छोड़ते हैं। हम 1 रुपया सब्सिडी 1 रुपया नहीं मांगते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें बिजली 9 सेंट की कर दें और गैस रीजनली कंपेटिटिव रेट पे कर दें, फिर सनत चल सकती है, वरना माजरत के साथ सनत नहीं चल सकती। लोग उधर सोलर लगा लें, जो मर्जी कर लें, वो भी कुछ सोल्यूशन। 2022 में आपको $15 बिलियन से 14-15 बिलियन डॉलर से 19.5 के जाल में दिखाया था। जब हमसे वो बस वापस ले लिए गए तो हम 16.5 पे आए 2023 में। पिछले साल वो 16.5 पे आए, लेकिन इस साल हमसे 16.5 नहीं। आपने IMF की कड़ी शरायत माननी है, जो कुछ करना है हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप हमें रीजनली कंपेटिटिव बिजली और गैस नहीं देंगे, लेकिन आप PSDP 700 अरब से 1600 अरब पे ले जाएंगे, तो खुदा इस कौम ने सड़कों को, अंडर पासिस को, ब्रिजों का क्या करना है? सर्वे बाद में जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, जब आपकी एक्सपोर्ट घट जाएगी, आप कहाँ से पैसे वापस? घरेलू बिजली सार्फीन के बिलिंग शेड्यूल में घपले। रवा माह 28 से 33 रोज तक के रीडिंग पर बिलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। जुलाई में मीटर्स की रीडिंग 18 जुलाई को करने का शेड्यूल दिया गया है। घरेलू सार्फीन से 2 रोज के इजाफे यूनिट्स भी चार्ज होंगे। सार्फीन को इजाफे यूनिट्स पर बिलों की अदायगी करना पड़ेगी। लस्को में घरेलू सार्फीन के लिए बिलिंग शेड्यूल में बड़े पैमाने पर बेजाबतगियों का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने रवामा सार्फीन के लिए 28 से 33 रोज तक की रीडिंग पर बिलिंग करने का शेड्यूल जारी कर दिया। लस्को के बिलिंग साइकिल में बैच नंबर 10 के सार्फीन की रीडिंग 15 जून को ली गई और बैच नंबर 11 के सार्फीन की मीटर रीडिंग 20 जून को ली गयी। दोनों बैचेस के सार्फीन के मीटर्स की रीडिंग 18 जुलाई को करने का शेड्यूल था। इस तरीकाकार से बैच नंबर 10 के घरेलू सार्फीन को 33 रोज पर बिलिंग हो गयी, जबकि बैच नंबर 11 के घरेलू सार्फीन को 28 रोज की बिलिंग हुई। 28 रोज के बिलिंग में डाटा सिस्टम के तहत 2 रोज के इजाफी यूनिट्स चार्ज हो जाएंगे। बिलिंग साइकिल के शेड्यूल में ज्यादातर सार्फीन को 31 रोज की रीडिंग पर बिल जारी होंगे। कम और ज्यादा दोनों की बिलिंग से सार्फीन को इजाफी यूनिट्स पर बिलों की अदायगी करना पड़ेगी। अब आपको बताएं कि आटे का बहरान चल गया। हुकूमत और फार्मर्स एसोसिएशन के दरमियान मुजाकरात कामयाब हो गए। फार्मर्स कमीशन सिस्टम के तहत आटा बेचेंगी आटा डीलर और परचून फरोश आटा फी थैला कमीशन लेंगे। कमीशन की रकम पर विथहोल्डिंग टैक्स लागू होगा। सालाना 10 करोड़ से कम फरोख्त वाले रिटेलर्स आइंदा साल टैक्स देंगे। तो आपको गाह कहते चले कि आटे का बहरान चल गया है। हुकूमत और फार्मर्स एसोसिएशन के दरमियान मुजाकरात कामयाब हो गए हैं। फार्मर्स कमीशन सिस्टम के तहत आटा बेचेंगी आटा डीलर और परचून फरोश आटा फी थैला कमीशन लेंगे। कमीशन की रकम पर विथहोल्डिंग टैक्स लागू होगा। सालाना 10 करोड़ से कम फरोख्त वाले रिटेलर्स आइंदा साल टैक्स अदा करेंगे। IMF की कड़ी शरारत के आफ्टरशॉक्स आना शुरू हो गए हैं। 6 लाख से ज्यादा आमदन वाले किसानों पर इनकम टैक्स भी लगेगा। किसानों पर 33 अरब का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने प्लान हुकूमत को पेश कर दिया है। महकमा खजाना पंजाब हुकूमत को टैक्स की स्लैब्स भी पेश कर चुका है। IMF का शिकंजा सख्त, किसानों पर एक और बोझ डालने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। अब किसानों से जरी लैंड टैक्स के बाद इनकम टैक्स भी वसूल किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने तरतीब दिया प्लान हुकूमत को पेश करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। जराए के मुताबिक IMF की शराइत पर जरी इनकम टैक्स की मद में किसानों पर 33 अरब का इजाफी बोझ बढ़ेगा। जराए के मुताबिक 6 लाख से जायद जरी आमदन वाले किसान जरी इनकम टैक्स अदा करेंगे। इससे कबल महकमा खजाना पंजाब हुकूमत को टैक्स की सेल्स पेश कर चुका है।
लेडी एचईसीएल अस्पताल के अपग्रेडेड आईपीडी और अपग्रेडेड आई वार्ड न्यू अस्पताल का इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने दोनों ओपीडीज का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला ने लेडी एचईसीएल अस्पताल की अपग्रेडेड आईपीडी ब्लॉक का दौरा किया। कंसल्टेंट आईपीडी, ओपीडी, एंटीनेटल क्लिनिक, नर्सिंग ऑफिस और ट्रायल रूम का भी मुआयना किया है। मरियम नवाज ने वार्ड में मौजूद जचा और बच्चा की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द से इत्याबी की दुआएं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने नन्हे बच्चे को प्यार किया और दराजी उम्र की दुआएं की। मरियम नवाज शरीफ ने नौमौलूद बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया। वज़ीर-ए-आला ने वार्ड में मौजूद मरीजा को तसल्ली दी और मसला फौरी हल करने का हुक्म दिया। मरियम नवाज शरीफ ने डॉक्टर और नर्सिस की ख्वाहिश पर तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर-ए-आला न्यू अस्पताल के ऑप्थोमोलॉजी वार्ड पहुंच गई, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने ऑप्थोमोलॉजी ब्लॉक के मुख्तलिफ फ्लोर्स का दौरा किया और तमीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला ने ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, सीएसएसटी, स्टरलाइजेशन रूम का भी मुआयना किया। मरियम नवाज शरीफ ने मरीजों को दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू सोहेल अशरफ ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आई वार्ड में ऑपरेशन थिएटर की तादाद 5 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि मरीजों के लिए रिकवरी रूम और वेटिंग एरिया भी कायम किया गया है। आई वार्ड में अस्ता दरा से जारी लीकेज का मुकम्मल खात्मा करके बिल्डिंग को महफूज बनाया गया। आई वार्ड में मरीजों के लिए नए जनरेटर और लिफ्ट भी नस्ब की गई है। न्यू अस्पताल के 8 फ्लोर पर मुश्तमिल आई वार्ड की अपग्रेडेशन की गई है। लेडी एचईसीएल अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को अपग्रेड किया गया है। लेडी एचईसीएल ओपीडी में सेमी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कायम किए गए हैं। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि लेडी एचईसीएल में ईपॉक्सी फ्लोरिंग और एंटी बैक्टेरियल पेंट किया गया है। ओपीडी और आई वार्ड में जदीद मेडिकल और दीगर जरूरी आलात फराहम किए गए हैं। लेडी एचईसीएल में ईपॉक्सी फ्लोरिंग और एंटी बैक्टेरियल पेंट किया गया है। आई ब्लॉक और ओपीडी ब्लॉक को कम खर्च बाला मशीन उसूल पर अपग्रेड किया गया है। सुबह वज़ीरे सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर वज़ीर-ए-आला के हमराह थे। सेक्रेटरी हेल्थ अलीजान खान, प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज डॉक्टर महमूद अयास भी मौजूद थे। न्यू अस्पताल डॉक्टर असद असलम और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला की डेडलाइन में 8 रोज बाकी रह गए हैं। बंज रोड कॉरिडोर पैकेज 2 का काम अभी तक अधूरा है। पैकेज 2 का एस्फॉल्ट कार्पेटिंग, ड्रेनेज सिस्टम भी मुकम्मल नहीं हो सका। एलडी इंजीनियरिंग विंग फंड्स देकर थक गया, मतलूबा नतायज नहीं मिले। पैकेज 1 के तकमीलशुदा कामों के फंड्स भी पैकेज 2 को दिए गए। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर पैकेज 2 की तकमील कॉन्ट्रैक्टर की नाहली से इल्तवा का शिकार हो गई। बंद रोड कॉरिडोर पैकेज 2 अभी तक अधूरा है। पैकेज 2 का अस्फाल्ट कारपेटिंग, ड्रेनिंग सिस्टम भी मुकम्मल न हो सका। एलडीए इंजीनियरिंग विंग फंड्स देकर थक गया, मतलूबा नतायज न मिले। गुज़िश्ता माली साल के 14 करोड़ के फंड्स भी लैप्स होने से बचाए गए और टीपा मुंतकिल किए गए। टीपा में पार्क शुदा फंड्स डीजी की मंजूरी के बाद पैकेज 2 को फराहम कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक पैकेज 1 के 100% तकमील शुदा कामों के फंड्स भी रोक कर पैकेज 2 को दिए गए। पैकेज 1 के फंड्स भी पैकेज 2 के इल्तवा शुदा कामों को मुकम्मल न करवा सके। एलडीए ने मंसूबे के 1.5 अरब के अजाफी फंड्स मांग रखे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बंद रोड पैकेज 2 की तकमील के लिए 30 जुलाई की डेडलाइन दे रखी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का बहरान बरकरार है। गड़ी शाह वादत रोड, बंद रोड के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब है। मनावा, धर्मपुरा समेत दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी मौजूद नहीं है। आला हुकाम के मुताबिक टैक्स खत्म होते ही चीनी की सप्लाई शुरू कर देंगे। शहरी यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी का बहरान जारी है। गड़ी शाहू, वाहदत रोड, बंद रोड के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब है। मनाना, धर्मपुरा समेत मुतादिद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मौजूद नहीं है। सारिफीन का कहना है कि कई हफ्तों से चीनी नहीं मिल रही, मार्केट से कीमत भी ज्यादा है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का कहना है कि चीनी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी है, कीमत बढ़ने का खदशा है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन एफपीआर से टैक्स खत्म कराने के लिए तगोदौ कर रही है। आला हुकाम ने कहा कि टैक्स खत्म होते ही चीनी की सप्लाई शुरू कर देंगे। चीनी वाफिर मकदार में वेयर हाउसेज में मौजूद है। ताजपुरा पिन में ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद घंटों से बिजली बंद है। इलाका मकीनों का लेस्को सब जवियन ताजपुरा अमले के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। ताजपुरा पिन का ट्रांसफार्मर 20 घंटे बाद भी मरम्मत ना हो सका। मकीनों का शदीद गर्मी में सब्र जवाब दे क्या। अहले इलाका ने लेस्को अमले के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा, सख्त गर्मी में बिजली ना होने के बायस अजियतनाक मुश्किल का सामना है। बच्चों का गर्मी से बुरा हाल है, बुजुर्ग निढाल हो चुके हैं। शहरी ने ट्रांसफार्मर ट्रिप होने की सूरत में जल्द से जल्द मरम्मत यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया। कल से लाइट गई हुई है, 20 घंटे हो गए हैं। ठीक है, हमारे घर में ना पानी है,
ना लाइट है, छोटे छोटे बच्चे जो है पानी को तरस गए हैं। ये हमारी कैसी हुकूमत है, ये क्या कर रही है हमारे साथ? गरीब जो है वो पिस रहा है बेचारा। हमारे इतने अखराजात नहीं है, इतना बिल, जितने बिल हमें आ रहे हैं, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? है हमारे बुजुर्ग बीमार हुए हुए हैं, वो गर्मी की वजह से नहीं सह पा रहे हैं। तो ये 50 दफा हम ऑफिस में गए हैं उनके बेस्को वालों के, लेकिन उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया है। गुजारिश है कि हम गरीबों में कुछ रहम करें। खलीलुर रहमान कमर के बाद हनी ट्रैक पर एक और वाकया सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर बनने वाली दोस्त को मिलने निकला नौजवान लापता हो गया। 27 साल सेल्स एक्जेक्टिव के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जीशान के अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ थाना अच्छा में दर्ज किया गया है। पार्क व्हील्स में सेल्स एक्जेक्टिव की मुलाजमत करने वाले जीशान की राबिया नामी खातून से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। जीशान खातून से मिलने के लिए उसके मामू की कॉल पर गुजरात किया, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। मुगवी के दो मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और चली हुई गोली का खोल मुलजमान ने लाकर नया मॉल रोड पर फेंका। पुलिस का कहना है कि क्लोज सर्किट फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से तफ्तीश जारी है। खातून समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जल्द हकायक सामने आ जाएंगे। तारीख को वो अगवा हुआ है और 15 तारीख को वो सामान हमें मिलता है सेक्रेटरीट के बाहर, जबकि लड़का गुजरात गया था। उस शॉपर के अंदर हमें क्या मिलता है, उसमें दो मोबाइल और उसकी स्मार्ट वॉच और एक गोली गिरा लगी हुई। सुबह एक शख्स वहाँ पे गुजर रहा है फुटपाथ से, तो वो देखता है कि मुसलसल फ़ोन बज रहा है कोई, तो वो देखता है कि उसमें दो फ़ोन है, 200 से 300 कॉल्स आई हुई हैं। वो फ़ोन रिसीव करता है, वो कहता है जी मुझे आपका सामान मिला। हम उससे सामान पकड़ते हैं और उसकी लोकेशन पर जाते हैं, आपको सामान कहाँ मिला है। फिर हम देखते हैं सेफ सिटी के वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से सेफ सिटी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जाके देखते हैं कि उसमें वो नज़र आता है कि उसकी एक फ्रेंड थी गुजरात में, उसके मामू ने गाड़ी बेचने के बहाने उसको वहाँ बुलाया, जो कि लड़का वहाँ पर जाता है, उसके बाद उसको पंजाब शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन का धरना जारी है। मुख्तलिफ शहरों से आए मुलाजमीन क्लब चौक पर धरने में शरीक हुए। वजीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी से मुलाजमीन के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, क्या मुतालबात है इन शहरियों के, जानेंगे उमैर अफजल, वहाँ मौजूद हैं। जो उमैर अफजल बताएगा कितनी तादाद है वहाँ मुलाजमीन के और इनके क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लब चौक पर, जहाँ पर महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के जो मुजाहिरीन हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो एहतजाज दे रहे हैं। यहाँ पर धरने की सूरत में मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद है, तकरीबन 700 के करीब जो मुलाजमीन हैं उनको नौकरी से बरतरफ किया गया। लेकिन इस वक्त जो क्लब चौक के बाहर मुजाहिरीन की तादाद है वो तकरीबन 300 के करीब मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आज सुबह सवेरे से क्लब चौक GOR1 के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं। मुलाजमीन का कहना है कि 20 साल से महकमे ज़राअत के शोबा वाटर मैनेजमेंट में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपनी सर्विसेज दे रहे थे, जबकि 20 साल काम करने के बाद अचानक से उन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, जिसके खिलाफ मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर मुलाजमीन की बड़ी तादाद धरने की सूरत पर मौजूद है, जो कि धरना दे रही है और मुज़ाकरात उनके जो मिनिस्टर हैं ज़राअत के सैयद आशिक हुसैन करमानी, उनसे इनका वफ़द जो है वो मुज़ाकरात के लिए भी गया। पंजाब पुलिस का जो भारी नफरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम रहे। मुजाहिरीन जो हैं उनके मुतालबात ये हैं कि उन्हें फौरी तौर पर जो है वो नौकरियों पर बहाल किया जाए, जबकि जो सैयद आशिक हुसैन करमानी हैं उनकी जानिब से इन्हें ये कहा गया कि आपकी समरी जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को अरसाल कर दी गई है, जैसे ही उस पर पेशरफ्त आएगी आप लोगों को जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन मुजाहिरीन जो है वो इस बात पर बजीद हैं कि जब तक हमें नौकरी पर बहाल नहीं किया जा सकता, हम यहाँ से धरना खत्म नहीं करेंगे। हम इसी सूरत धरना खत्म करेंगे जब हमें नौकरियों पर बहाल किया जाएगा, या तो हमें इसी शोबे में दोबारा नौकरियों पर बहाल किया जाए, या इसके अल्टरनेट जो है हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि आने वाली हुकूमत जो है, इनके जो स्लोगन था, इनके जो दावे थे, वो यही थे कि तमाम जो रोजगार बेरोजगार शहरी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उन्हें जो है वो रोजगार दिया जाएगा, उन्होंने नौकरियों पर जो है वो कंफर्म किया जाएगा। लेकिन आने वाली हुकूमत ने जो है वो अपने अहदों से बिल्कुल ही मुखालिफ जो है वो सारे इकदाम किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुलाजमीन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नदीम रजा कुहारा साहब, मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर मुझे बताइएगा क्या मुतालबात हैं
और कब तक धरना जारी रखने की आपकी पेशगोई है और क्या सूरत हाल है, मुजाकरात कहाँ तक पहुँचे आपके? जी मुतालबा हमारा एक ही है, वो ये है कि 1 जुलाई 2024 से हमारी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं। एक प्रोजेक्ट जिसकी एक्सटेंशन एक साल की दे दी गई थी NPIW फेज़ टू की, उसी एक्सटेंशन को वर्किंग में लाया जाए। जहाँ तक आपने कहा कि पेशगोई देखें, ये गवर्नमेंट ने बताना है, हमने नहीं बताना है। हम सरों पे कफन बांध के निकले हैं अपने बच्चों की खातर, अपने बच्चों की रोजी की खातर यहाँ आ गए। इस गर्मी में किसी का दिल नहीं चाहता है कि वो इस शदीद गर्मी में, शदीद हबस में, उम्रें आप लोगों की देख लें कितनी हो चुकी हैं, यहाँ सड़क पर आकर बैठे। तो हम तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ आके सड़क पर बैठ गए। अब ये पेशगोई हुकूमत पंजाब ने तय करनी है, वो हमारी बात सुन लें, और हम तवक्को भी करते हैं कि जितनी जल्दी हो सका मुमकिन वो हमारी बात सुनेंगे। आज सुन लें, कल सुन लें, एक हफ्ता बाद सुन लें, महीने बाद सुन लें। हम यहाँ मरने के लिए आए हैं, या हक लेकर जाएंगे या यहाँ मर के जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इस दौर में अब हम ओवर एज हो चुके हैं, कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कहीं और किसी महकमे में नहीं जा सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि हम वाटर मैनेजमेंट, जिसके लिए हमने अपनी जवानियाँ सर्फ की हैं, उसी महकमे में ही अपनी जो है ना वो रोज़गार बाहर रखवा सकें। तो मैं खसूसी तौर पर अपील करूँगा आपके तवसत से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से कि खुदारा नोटिस लें, यह आपकी एक तरह से रियाया है। ये गरीब लोग हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, डेरा गाजी खान से लेके, अटक से लेके रहीम यार खान तक, पंजाब के तमाम इजला से ये लोग यहाँ पर आए हैं, अपने बच्चों समेत आए हैं, घरों पर भी अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। तो इनका नोटिस लें, एक आपका फ़ोन होना है, फेडरल में NPIW फेज़ टू का जो प्रोजेक्ट है उसकी एक्सटेंशन कर दी जाए। एक साल की एक्सटेंशन नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी ने की हुई है, लेटर हमारे पास मौजूद है, उसको वर्किंग में ले आएँ। बजट हुकूमत पंजाब के पास मौजूद है, हमने अपनी जवानियाँ सर्फ की हैं पानी की बचत के मंसूबों पर। हम इंशाल्लाह इसी तरह ही आपके विजन को मद्देनजर रखते हुए सूबे में पानी की बचत के मंसूबों को मजीद इसी तरह आगे इजाफा करते रहेंगे, अपनी दिन रात मेहनत शबाना रोज करेंगे। लेकिन खुदारा हमारा भी ख्याल करें, हमारे भी बच्चे हैं, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं कि हम आपके दरवाजे के पास आके बैठे हैं, पुरअमन तरीके से आपसे अपना हक लेने के लिए आए हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हमने अपनी जिंदगियां सर्फ कर दी हैं इस महकमे के लिए, इस वाटर मैनेजमेंट के शोबे के लिए। यहाँ पर लोग मौजूद हैं गर्मी के इस मौसम में, हब्स के इस मौसम में, इनका कहना है कि यहाँ पर मौजूद लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से वो किसी दूसरे महकमे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इन समय तमाम जो मुजाहरीन हैं इनका यही मुतालबा है कि तरजीही बुनियादों पर और फिलफौर इनके मुतालबात पूरे किए जाएँ। अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो इनका ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा, चाहे इनके मुतालबात एक हफ्ता, दो हफ्ते या जितनी महीनों तक लग जाएं, ये अपने मुतालबात पूरे होने तक यहाँ पर धरने की सूरत में जमा रहेंगे। जी जी उमैर अफजल हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान की गैर हाजिरी का ये मामला है। अपोजिशन की रिक्वजिशन पर बुला के इजलास में अपोजिशन ही गैर हाजिर निकली। अपोजिशन को इल्म है एक इजलास पर करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जाली तरीके से असम्बली के गेट पर इजलास शुरू करा गया। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कहा गया अपोजिशन के 7 अरकान ने रिक्वजिशन जमा करवाई है। इन अरकान ने TADA लेने के लिए सिर्फ हाजिरी लगाई। अपोजिशन की अपोजिशन ने, जिस पर अपोजिशन के अरकान ने अपने दस्तखत के साथ, असेंबली के कवानीन में मौजूद है कि जब रिक्वजिशन आएगी तो सर्टन डेज के अंदर, एक मुकर्रा मुद्दत के अंदर वो इजलास तलब किया जाना है। उस मुकर्रा मुद्दत के अंदर इजलास तलब किया गया। एक दिन के इजलास का खर्चा करोड़ों रुपए में होता है। लगभग उसमें जो TADAs इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर जो पूरी असेंबली की मशीनरी इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट की मशीनरी इन्वॉल्व होती है, तो एक मुतात अंदाजे के मुताबिक कोई 3, 3.5 और 2 करोड़ 71 लाख के करीब वो जो एक दिन के अखराजात उठते हैं वो मेंबर्स के और उसके अलावा जो अखराजात हैं। तो ये इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। अब ये प्रोसेस इसलिए नहीं है कि इसमें 12 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी, हुकूमत आकर उसको असेंबली के फ्लोर पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना ताकि अवामुन्नास तक वो सारी तफसील जाए। तो ये निज़ाम कई दिहाइयों में, कई एक पूरी सदी लगी। अब इस निज़ाम को मतरूक करने की घनौनी साजिश तरीके इंसाफ ने, मैं अब ये बतौर स्पीकर कह रहा हूँ, इनका पहला हमला इस पर 2014 में, तब से मतवातर हमला इनका जारी है। ये कभी चंद हलके खोलने के नाम पर इंतखाबी अमल को मशकूक करते हैं, कभी चंद हलके खोलने के नाम पर पूरी पार्लियामान की हैसियत को मशकूक करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिप्टी स्पीकर सिंध और पंजाब असम्बली की अलग अलग मुलाकात हुई है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है।
सरदार सलीम हैदर खान से सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहिर इकबाल ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस में मुलाकात में पास्टर दानियाल सलीम भी एंथनी नवीद के हमराह थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, गवर्नर हाउस के दरवाजे अकलियतों समेत सब शहरियों के लिए खुले हैं। मुल्क में बैनुल मजाहिब हम आहंगी के फरोग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना चाहिए। सरकारी यूनिवर्सिटीज का खसारा 21 अरब की हद को छू गया है। यूईटी लाहौर 1 अरब 41 करोड़ खसारे के साथ पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी का खसारा 1 अरब 18 करोड़ रहा। पंजाब में सरकारी यूनिवर्सिटीज का खसारा 21 अरब रुपए तक पहुंच गया, महकमा हायर एजुकेशन ने इंकशाफ कर दिया। यूनिवर्सिटीज के अखराजात पर रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का खसारा 1 अरब 18 करोड़ रुपए है। यूईटी लाहौर को 1 अरब 41 करोड़, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर को 11 करोड़ रुपए का खसारा है, GCU को 45 करोड़ रुपए, ITU को 28 करोड़ रुपए, यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स को 47 करोड़ रुपए के खसारे का सामना है। हायर एजुकेशन कमीशन और HED की जानिब से फंडिंग भी कम की गई। पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज का मजमुई अखराजात का हुजम 100 अरब रुपए के करीब है। सुबह डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 8वां इजलास सदर चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने की। पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर्स की 3 तरक्यात इसकी मुख्य मंसूरी, मंसूबों पर मजमुई तौर पर 2 अरब 37 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपए खर्च होंगे। सुबह वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिनकी मुख्य मंजूरी दी गई उनमें चबूजी गार्डन लाहौर में 11-14 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन के लिए मल्टी स्टोरी रिहायश बिल्डिंग की तामीर के लिए 1 अरब 49 लाख 50 हजार रुपए, सेंट्रल जेल फैसलाबाद के 10,000 कैदियों को एडजस्ट करने के लिए पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में इजाफी मल्टी स्टोरी बैरक्स की तामीर के लिए भी फंड दिया गया है।